आप सभी को नमस्ते। मैं कमल कौशिक आज आपके लिए एक एडोब इलस्ट्रेटर की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और कुछ कमांड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिएट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, हम फाइल पे जाके न्यू भी कर सकते हैं या फिर देखो शॉर्टकट की है Ctrl+N, Ctrl+N भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास नेम का, कि क्या हम नेम रखना चाहते हैं हमारे डिज़ाइन का या फाइल का। जैसे यहाँ पे एंटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम नाम रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोफाइल, कि हम किस प्रोफाइल में रखना चाहते हैं, वेब में, प्रिंट में, डिवाइस में, वीडियो फाइल, बैक एट्सेट्रा। इसको कस्टम पे ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड, कि आर्ट बोर्ड आप कितने रखना चाहते हैं, 1, 2, हम देखो इन एरो की से आर्ट बोर्ड को चेंज कर सकते हैं कितना आर्ट बोर्ड चाहिए। बेसिकली हमारा आर्ट बोर्ड होता क्या है कि जिस पे हम डिजाइन करते हैं उसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड एक से लेके मल्टीपल जितने में ज़रूरत होती है उतने आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। जैसे हमने अभी सिलेक्ट कर दिए 4 आर्ट बोर्ड सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। ओके, इस पे हम अभी देखना, ये देखो 4 आर्ट बोर्ड, हम यहाँ पे किसी भी आर्ट बोर्ड पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आर्ट बोर्ड है ये, इस पे ऐसे किसी पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन जो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम आते हैं अपने देखो न्यू डॉक्यूमेंट पे। अब इसके बाद है स्पेसिंग, कितना स्पेस चाहिए अपने को। ये स्पेस देखो आप, जैसे हम इसको कम करेंगे ना आर्ट बोर्ड को 1, तो ये स्पेस गायब हो जाएगा। स्पेस कैसे है, देखो आप जो ये देख रहे हो ना बैकग्राउंड में, जो ये आर्ट बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का गैप कितना चाहिए अपने को, ये वो वाला गैप है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स कितने चाहिए, ये भी उससे रिलेटेड है, ये भी आपको बताएंगे। साइज, साइज़ कितना चाहिए, डिफरेंट टाइप के साइज़ होते हैं, जैसे A4, A3, B5, B4, लेटर्स के लिए जो भी चाहिए आप साइज़ यहाँ से अपने साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओह सॉरी, कट गया, दोबारा से शुरुआत, Ctrl+N, न्यू फाइल। उसके बाद विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट आपको पूछ रहा है कि जो आपका आर्ट बोर्ड है उसकी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए आपको। अपने अकॉर्डिंग आप इसको विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करना चाहे वैसे, ये है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट्स, यूनिट्स देखो किस में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, पिक्सा इंचीज, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या पिक्सल्स में, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इसको मिलीमीटर्स में सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ओरिएंटेशन है, कि हम किस ओरिएंटेशन में रखना चाहते हैं इसको। देखो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। ऐसे ये देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो आप यहाँ से आप जैसे भी आप रखना चाहो उसको डिज़ाइन को रख सकते हो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की, कितना आप टॉप में बॉटम में लेफ्ट राइट में कितना आप स्पेसिंग देना चाहते हो, तो यहाँ पे अप और डाउन की से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, या फिर आप नेट से भी ले सकते हैं कोई भी टेम्पलेट जो आपको ज़रूरत हो। उसके बाद हम दोबारा से क्रिएट करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, Ctrl+N, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसको हमको आर्ट बोर्ड कितने चाहिए, फिलहाल हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं 1, एक आर्ट बोर्ड हम सिर्फ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद साइज़ हम ले रहे हैं A4, वो देखो A4 साइज़ अपने आप सिलेक्ट हो चुका है इसमें। उसके बाद जैसे हम करेंगे क्लिक, ये हमारे पास A4 साइज़ का एक आर्ट बोर्ड आ गया है जिसपे हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी जैसे भी आपको मर्जी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आर्ट बोर्ड हम डिज़ाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर ये वाला डिज़ाइन हमारा जब हम सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। आज अपनी फर्स्ट क्लास है एडोब इलस्ट्रेटर की, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में एक क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, क्या क्या उसके अंदर फीचर होते हैं क्या नहीं, ये सब हमने आज पढ़ा और सीखा।
उसके बाद हम कोई भी डिज़ाइन किया है तो सेव सेव एज कैसे करते हैं, ये तो बेसिकली सभी को पता ही होता है कि डिज़ाइन को कैसे सेव और सेव एज करते हैं। सेव एज में भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।